हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्किल डेवलपमेंट करिकुलम एंड वोकेशनल बायसनेस के बारे में बात करेंगे। स्किल डेवलपमेंट करिकुलम के अंडर हम ये बात करेंगे कि किस तरह का करिकुलम जो है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए रिकमेंड किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्रोविज़न किए हैं स्किल डेवलपमेंट करिकुलम के रिगार्डिंग, और वोकेशनल बायसनेस में हम बात करेंगे कि हम कौन से ऐसे वोकेशंस हैं जिनके, जैसे कि कुछ ऐसे वोकेशंस हैं जिनको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, इंजीनियरिंग है या डॉक्टर वाला जो वोकेशन है, या फिर टीचिंग वाला भी है, या फिर MBA है, जो इस तरह के जो वोकेशंस हैं जो जिनको हम वाइट कॉलर जॉब भी मानते हैं उनको हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, जबकि कुछ ऐसे वोकेशंस भी हैं जो स्किल हैं, ऐसी टेक्नीशियन की स्किल है, इलेक्ट्रीशियन की स्किल है, या मैकेनिक्स है कोई छोटे लेवल का, तो उनको हम इंफीरियर रखते हैं। तो ऐसी वोकेशनल बायसनेस के क्या कॉजेज़ हैं जो इंडिया में के अंदर जो उत्तरदायी हैं उस चीज़ के लिए, वो उन हम रीजंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है। वोकेशनल एजुकेशन एक तरह की एजुकेशन है जो एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयार करती है। जैसे आप भी बीएड कोर्स कर रहे हैं तो भी ये भी एक तरह की वोकेशनल एजुकेशन ही है जो आपको टीचिंग की जॉब के लिए तैयार करती है। इसी तरह इंजीनियरिंग की जॉब है उसके लिए भी इंजीनियरिंग कोर्सेज जैसे बीटेक कोर्स है या नर्सिंग की है, ये सारी वोकेशनल एजुकेशन के अंडर आती हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज जिनको हम बोलते हैं, जो आपको एक पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयार करती हैं। या इंडिया के अंदर इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इस तरह की एजुकेशन को, वोकेशनल एजुकेशन को, CTE, जिसकी फुल फॉर्म है करियर एंड टेक्निकल एजुकेशन। इसको करियर एंड टेक्निकल एजुकेशन भी बोलते हैं। वोकेशनल एजुकेशन को एक और नाम भी इसको दिया गया है, TVET, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसको हम स्किल बेस्ड एजुकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किल के ऊपर ज़्यादा एम्फिसाइज किया जाता है कि आप उस स्किल के अंदर परफेक्ट हैं या नहीं, बजाय कि आपके थ्योरी या मार्क्स के बजाय आपकी स्किल के ऊपर ज़्यादा एम्फिसाइज किया जाता है। इसको हम नॉन एकेडमिक बेस्ड एक्टिविटी भी मानते हैं, नॉन एकेडमिक इसको एक फील्ड में रखते हैं कि ये नॉन एकेडमिक एक्टिविटी है, एक ये स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी है वोकेशनल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं। इंडिया के अंदर वोकेशनल एजुकेशन के लिए दोनों तरह के प्रोविज़न हैं। इंडिया में जो है फुल टाइम वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है और पार्ट टाइम भी प्रोवाइड की जाती है। फुल टाइम एजुकेशन के लिए, फुल टाइम वोकेशनल एजुकेशन के लिए यहाँ पर इंडिया के अंदर ITIs का प्रोविज़न किया गया है। ITIs मीन्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है हर तरह की स्किल के लिए, चाहे वो कंप्यूटर की स्किल है, चाहे वो टेक्नीशियन की स्किल है, चाहे वो एक मैकेनिक की स्किल है, हर तरह की स्किल के लिए, या फिर वो कोई या आर्किटेक्चर की स्किल है उसके लिए। तो ये ITIs में इन स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है। दूसरा जो है CTI है, करियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भी इंडिया के अंदर है, ये भी फुल टाइम वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ इन दोनों ही ITIs जो और CTI हैं, इनको जो ग्रांट प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन के लिए वो NCVT प्रोवाइड करता है। NCVT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और ये किसके अंडर आते हैं, MHRD के अंडर आते हैं। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं, जो वोकेशनल एजुकेशन का जो प्रोविज़न है इनमें ITIs में, और जो CTI में जो प्रोविज़न किया जाता है उसको जो ग्रांट प्रोवाइड की जाती है वो NCVT प्रोवाइड करता है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये सारे आते हैं, उनके अंडर ही इनको ग्रांट प्रोवाइड की जाती है। अगर हम पार्ट टाइम वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो वो स्टेट लेवल पर बहुत सारे एजुकेशनल बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्ट टाइम वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, फुल टाइम भी प्रोवाइड करती है स्टेट लेवल पे। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट जो हैं वो फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरह की वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इंडिया ही सबसे पहला इंडिया के अंदर ही वोकेशनल ट्रेनिंग इन फिल्म एंड टेक्नोलॉजी, फिल्म और टेक्नोलॉजी के जो फिल्म टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में इंडिया ही सबसे पहला कंट्री है जिसने वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोविज़न किया है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ही पहला कंट्री है, सबसे आगे है वो कंट्री जो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर, फिल्म टेक्नोलॉजी के अंदर और ऑडियो एंड ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग या ऑडियो प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग के अंदर वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं इंडिया के अंदर वोकेशनल एजुकेशन की। अगर हम बात करें वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया उन कंट्रीज़ के अंदर आता है जहाँ पे लोएस्ट प्रोपोर्शन है ट्रेंड यूथ का, जहाँ पे जो यूथ है सबसे कम ट्रेंड है, जिनके पास स्किल कम, एजुकेशन ज़्यादा है, नो डाउट एजुकेशन ज़्यादा है, पर जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो इंडिया के अंदर जो स्किल्ड यूथ है वो काफ़ी कम है, उसका परसेंटेज जो है वो काफ़ी लो है। तो अगर इन सब का क्या कारण है इंडिया के अंदर ये जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो हमारे यूथ है, जो स्किल्ड यूथ है वो इतना कम क्यों है, उस वोकेशनल बायसनेस के क्या कारण हैं, उस वोकेशनल बायसनेस हमारी सोसाइटी के अंदर है या हमारी जो एजुकेशन के अंदर है उसके क्या 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 रीज़न है, क्या फैक्टर हैं। फर्स्ट है एकेडमिक ओरिएंटेड सिस्टम। जो हमारा यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम है, जो इंडिया के अंदर जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एकेडमिक ओरिएंटेड है, वो मार्क्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, स्किल के ऊपर कम एम्फेसाइज करता है। यहाँ पे लोगों को ब्लू कॉलर जॉब माना जाता है, जो छोटी जो जॉब होती है, टेक्नीशियन की जॉब है, प्लम्बर की जॉब है, या आप हेयर ड्रेसर की जॉब है, या मेकअप आर्टिस्ट की जॉब है, या कोई आपका स्किल्ड जो है सिलाई कढ़ाई ये वाली जॉब को जो है वो इन्फीरियर जॉब माना जाता है और ब्लू कॉलर जॉब इनको बोलते हैं। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए, इंडिया के अंदर जो है पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ब्लू कॉलर जॉब पसंद नहीं करते हैं, वो स्किल्ड जॉब पसंद नहीं करते, वो उनके लिए वाइट कॉलर जॉब पसंद करते हैं। ये एक ड्रॉबैक्स है हमारे एजुकेशन सिस्टम का कि एकेडमिक ओरिएंटेड है, स्किल ओरिएंटेड नहीं है। इसी कारण से हमारी जो परसेंटेज है यूथ की, जो स्किल्ड वर्कर की जो परसेंटेज है कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज के, वो कम है। सेकंड अगर हम बात करें स्ट्रेस ऑन वाइट कॉलर जॉब, यहाँ पे जो ज़्यादा स्ट्रेस रहता है पेरेंट्स की तरफ से भी और सोसाइटी की तरफ से भी, जो ज़्यादा स्ट्रेस रहता है वो वाइट कॉलर जॉब पे रहता है, स्किल्ड वर्कर पे नहीं रहता है यहाँ पे स्ट्रेस। यहाँ पे लोग अपने बच्चों के लिए, चाहे उनके बच्चे उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी उनको ज़बरदस्ती उस फील्ड के अंदर धकेल दिया जाता है, उस फील्ड के अंदर उनको एंट्री करा दी जाती है। और इसका कारण ये होता है कि वो जिसमें अच्छे थे, जिस स्किल के अंदर वो अच्छे एक्सेल कर सकते थे, वहाँ से भी वो हट जाते हैं और जिसमें उनको डाल दिया जाता है ज़बरदस्ती, वहाँ पे भी वो अपनी जॉब के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। थर्ड जो कारण है इसका, टीचर्स व्यू, टीचर का भी जो व्यू है हमारे स्कूल्स के अंदर या इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जो टीचर्स का व्यू है कि वो भी इस जो स्किल्ड जॉब है, मतलब स्किल्ड जो स्किल्ड जो ट्रेनिंग है उसको इन्फीरियर मानते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, आप एक स्कूल की मैं बात करूँगी जिसके कॉन्टेक्ट में मैं आई थी एक बार। उस स्कूल में क्या है, लड़कियों को सिलाई कढ़ाई और जो लड़के हैं उनको मैकेनिक्स, मतलब जैसे ऐसी टेक्नीशियन जॉब, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। तो जैसे कई बार हम बात करते थे कि किसी बच्चे के बारे में, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बात चल रही है, तो टीचर्स इस तरह से बात करते थे कि वैसे तो ये उसमें तो बड़ा अच्छा है कि टेक्नीशियन जो काम कराते हैं, जो स्किल जो कराते हैं उसमें तो बड़ा, इससे कुछ भी काम करा लो, पर पढ़ाई में तो बिल्कुल निखद है, पढ़ाई में तो बिल्कुल जीरो है। इस तरह की बात टीचर्स के, इस तरह के व्यू हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में। हम उसकी स्किल को नहीं देख रहे हैं, हम उसके मार्क्स को, उसके एकेडमिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो टीचर का इस तरह का व्यू है जिस कारण भी जो वोकेशनल एजुकेशन है वो हमारे कंट्री के अंदर जो यूथ है वो बहुत कम है, उसकी परसेंटेज बहुत कम है। नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स, हमारी गवर्नमेंट बेसिक एजुकेशन के ऊपर, लिटरेसी रेट के ऊपर तो एम्फेसाइज बहुत ज़्यादा करती है, पर जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, जो वोकेशनल एजुकेशन है उसके लिए वो फंडिंग बहुत ज़्यादा कम करती है, उसके लिए उनके पास इंसेंटिव नहीं होते हैं देने के लिए। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ यूथ जो है वो स्किल्ड नहीं है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसी में,
प्रेजेंट करिकुलम, हमारा जो करिकुलम है वो एकेडमिक ओरिएंटेड है, वो मार्क्स ओरिएंटेड है, वो हम वाइट कॉलर जॉब ओरिएंटेड है, वो स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं करता है। जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें कोई प्रोविजन नहीं है स्किल डेवलपमेंट का, अगर है भी तो वो भी नाम मात्र का है, वो सिर्फ दिखावे के लिए है। एक्चुअल उसके अंदर, उसको एक्चुअल उसमें लेके नहीं आया जाता है, एक्चुअली उसको कराया ही नहीं जाता है उस स्किल डेवलपमेंट वाले करिकुलम को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है जेंडर बायसनेस इन वोकेशनल एजुकेशन। जैसे हमारी सोसाइटी इस तरह की है, इस तरह के स्टीरियोटाइप व्यूज़ यहाँ पे बना दिए गए हैं कि बॉयज़ के लिए यही वाली स्किल ज़रूरी है या गर्ल्स सिर्फ इसी स्किल के अंदर जा सकती हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। अगर कोई लड़का जो है, अगर वो कुकिंग की स्किल उसकी अच्छी है, वो उसमें जाना चाहता है, तो वो चाह के भी नहीं जा पाता है, वो चाह के भी उस चीज़ को ऑप्ट नहीं कर पाता है। अगर उसकी इंटीरियर डेकोरेशन, ये छोटी छोटी स्किल भी आजकल, इन छोटी छोटी स्किल्स का भी बड़ा इम्पोर्टेंस है। आप इंटीरियर डेकोरेशन की बात कर लीजिए या आप हेयर ड्रेसिंग की बात कर लीजिए। हेयर ड्रेसिंग की अगर आप बात करो तो उसको तो इतनी इन्फीरियर जॉब माना जाता है कि ये बस जो पुराने टाइप में कि ये उनका ही काम, बार्बर्स का ही काम होता था हेयर ड्रेसिंग की जॉब का। तो इस तरह की स्टीरियोटाइप्ड है जो कि लड़कों की और लड़कियों की जो स्किल है उनको डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके कारण भी इसका भी एक इफेक्ट है कि जिस स्किल में हम माहिर होते हैं उस स्किल में हम अपने आप को परफेक्ट बनाते ही नहीं हैं। तो ये सारे कुछ रीज़न थे, कुछ फैक्टर्स थे जिसके कारण वोकेशनल बायसनेस है इंडिया के अंदर, और जो हमारा जो यूथ है, स्किल्ड वर्कर का यूथ है, उसकी परसेंटेज बहुत कम है। तो इसके जो इफेक्ट हैं वो क्या होते हैं, इस बायसनेस के क्या इफेक्ट हैं? डिस्ट्रक्टिव टू आर चिल्ड्रन, जो हमारे स्टूडेंट की जो एनर्जी है, जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है, जो उनका इंटरेस्ट है किसी चीज़ के अंदर, उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। अगर एक बच्चा हेयर ड्रेसर बनना चाहता है और आप उसको इंजीनियरिंग के फील्ड में डाल देते हैं, इस पर तो काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं, आप थ्री इडियट्स की बात कर लीजिए, उसमें जो एक कैरेक्टर था वो फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट था उसका, फोटोग्राफी वो अच्छी करता था, जबकि उसके पेरेंट्स उसको इंजीनियरिंग करवाना चाहते थे। वो दोनों ही इस केस में क्या होता है, वो दोनों तरफ से ही स्किल्ड नहीं हो पाता, ना तो वो उस जॉब के साथ जस्टिफाई कर पाता है, वो ना दूसरी जॉब के साथ जस्टिफाई कर पाता है। तो जो एनर्जी है, जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है इस केस में। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव टू सोसाइटी के लिए भी डिस्ट्रक्टिवनेस है इसके लिए, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो तभी ग्रो कर पाएगी जब हम ग्लोबली भी ग्रो करें। और ग्लोबली अगर हम बात करें, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, तो स्किल्ड वर्कर्स की ज़्यादा डिमांड है एज़ कम्पेयर टू पढ़े लिखे लोगों की, एज़ कम्पेयर टू क्लर्क से ज़्यादा डिमांड जो है वो स्किल्ड वर्कर की है। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई भी करते हैं ना, जैसे आप कैनेडा के लिए अप्लाई करते हैं या कहीं किसी की उसके लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, PR के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ वो स्किल्ड वर्कर्स को जल्दी बुलाते हैं। और इसका रीजन क्या रहता है कि जो हमारे यहाँ के स्किल्ड वर्कर हैं, क्योंकि उनको इन्फीरियर समझा जाता है और उनके लिए जॉब भी नहीं है यहाँ पे, उनको पैसा भी नहीं दिया जाता, तो वो सारे मूव कर जाते हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर। तो जो थोड़ा बहुत परसेंटेज था स्किल्ड वर्कर का, वो भी दूसरे कंट्रीज के अंदर चले जाता है, दूसरे कंट्रीज उसको ले लेते हैं। तो हमारा जो कंट्री है डिस्ट्रक्ट हो जाता है, उसकी जो एनर्जी है, जो उसका जो हम आगे बढ़ सकते थे, उसकी डेवलपमेंट है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है सोसाइटी की। तो ये इम्पैक्ट है वोकेशनल बायसनेस का। चलिए अब नेक्स्ट है जो इसका सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से भी और पर्सनल लेवल पे भी, सोसाइटल लेवल पे भी क्या सॉल्यूशन किया जाए इस तरह की प्रॉब्लम का। फर्स्ट तो जो है रेडिकल रिफॉर्म इन एजुकेशनल सिस्टम, कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, रेडिकल मीन्स उसको पूरी तरह से कम्प्लीटली उसको चेंज कर दिया जाना चाहिए, उसके उसमें स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाए, एकेडमिक ओरिएंटेड वो कम हो। सेकंड जो है, जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो स्टीरियोटाइपिंग है कि मैन के लिए ही यही जॉब है और विमेन के लिए यही जॉब है, या गर्ल्स और बॉयज़ की जो हमने जॉब डिफाइन कर दी है, स्किल डिफाइन कर, उसके लिए कैंपेन चलाया जाए, उसके लिए कैंपेन चला के वो चेंज लेके आया जाए, लोगों की थिंकिंग के अंदर चेंज लेके आया जाए। थर्ड जो है, स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो लोकल एरियाज के अंदर और विलेजेस के अंदर ज़्यादा दी जाएं, बजाय कि हम जैसे विलेजेस के अंदर हम बात करते हैं कि गर्ल्स की लिटरेसी रेट बढ़ाओ या स्टूडेंट मतलब बच्चों की लिटरेसी रेट बढ़ाओ, यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ाने की बात करते हैं, तो लिटरेसी की जगह हम उनको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करें, इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाए जाएँ ताकि लोग उस स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ लिटरेसी तो अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि जब आप स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करते हैं तो वहाँ पर आपको रीडिंग राइटिंग तो सिखाई ही जाती है।
तो वहां पे हमारा लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा और साथ साथ वो लोग जो हैं वो जो वर्कर हैं वो स्किल्ड भी होंगे, और पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इस जो वोकेशनल ट्रेनिंग है इंस्टीट्यूट है उनके अंदर डालेंगे। फोर्थ जो है इसका क्या सोल्यूशन है, एजुकेशन के साथ साथ गर्ल्स के लिए, एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि गर्ल्स का मोस्टली ये होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो प्लस टू के बाद, क्योंकि वो इतनी जो वाइट कॉलर जॉब के लिए अपनी जो गर्ल्स हैं, अगर आप लोकल एरिया की बात कर लीजिए या विलेजेस की बात कर लीजिए, वो इंजीनियरिंग में या मेडिकल के लिए वो जो फीस होती है उसको नहीं पे कर पाते हैं, तो प्लस टू के बाद ही वो अपनी गर्ल्स जो उनकी स्किल को ही मार देते हैं, उनको ख़त्म ही कर देते हैं, बिल्कुल ही उनको घर बिठा देते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोविज़न किया जाना चाहिए कि एजुकेशन जब शुरू से ही, जब आप बेसिक एजुकेशन शुरू करते हैं, तो लड़कियों के लिए साथ साथ ही वोकेशनल कोर्सेज का प्रोविज़न किया जाए, साथ ही साथ उनकी स्किल डेवलपमेंट का प्रोविज़न किया जाए, ताकि वो बाद में जाके अपने लिए कुछ ना कुछ इकोनॉमिकली स्ट्रोंग हो सकें, वो घर ना बैठ जाएं, प्लस टू करते ही घर ना बैठ जाएं। तो इस तरह के सॉल्यूशन हैं जो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट करिकुलम की। अगर हम बात करें यहाँ पे हमें इंडिया के अंदर हमें पर ईयर पर एनम हमें 12.8 मिलियन जो है स्किल्ड वर्कर स्किल्ड यूथ चाहिए हमें पर ईयर, जो पर एनम हमें 12.8 मिलियन स्किल्ड यूथ चाहिए अगर हमें अपने इंडिया को आगे बढ़ाना है। पर यहाँ पे जो यूथ का जो स्किल्ड यूथ का जो वो है रेट है वो 3.1 मिलियन पर एनम ही है। अब देखो गैप कितना ज़्यादा है उसके अंदर। उस गैप को ख़त्म करने के लिए टाइम टू टाइम चेंजेस लाते गए हैं। यहाँ पे भी अब जो हमारी प्राइम मिनिस्टर एक नेशनल काउंसिल है, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए ये एक विज़न रखा है कि 2020 तक हम 500 जो है मिली 500 मिलियन स्किल्ड पीपल हम प्रोड्यूस कर देंगे। इतने लोगों को, 500 मिलियन पीपल्स को, 500 मिलियन यूथ को हम स्किल्ड कर देंगे। ये एक विज़न है इसका, प्राइम मिनिस्टर नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट का। तो और साथ साथ हमारे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करिकुलम के लिए जो NCF जो है 2005 में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, जो हमने पहले भी बात की है, उन्होंने भी वर्क एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज किया था। दो तरह की वर्क एजुकेशन की उन्होंने बात की थी, प्री वोकेशनल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। प्री वोकेशनल एजुकेशन मींस जो वोकेशन से पहले जब आप एजुकेशन ले रहे होते हैं उसके साथ साथ जो आप एजुकेशन लेते हैं उसको प्री स्किल के लिए, उस स्किल डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशन के साथ साथ जो आपकी स्किल डेवलपमेंट की जाती है उसको प्री वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। और एजुकेशन के बाद जैसे आप जो BEd कर रहे हैं या फिर जो इंजीनियरिंग करते हैं, BTech करते हैं प्लस टू करने के बाद, उसको वोकेशनल एजुकेशन का नाम दिया जाता है। वो बाद में जो वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी प्रोविजन था NCF में। अब उसमें भी उनको इसमें भी लगा कि NCF 2000 में भी ज़्यादा बात नहीं कही गई है वोकेशनल डेवलपमेंट की या वोकेशनल स्किल करिकुलम डेवलपमेंट की, तो उसको भी रिवाइज कर दिया गया था इस स्कीम को, वोकेशनल एजुकेशन फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन 2014 में इसको रिवाइज कर दिया गया। 12th मार्च 2014 में MHRD ने दोबारा से रिकमेंडेशन दी वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। और वो रिकमेंडेशंस क्या थी, सबसे पहले रिकमेंडेशन थी कि वोकेशनल एजुकेशन जो है उसकी जो इंट्रोडक्शन है कि किस तरह की वोकेशनल एजुकेशन होती हैं, कौन से आप कोर्सेज कर सकते हैं, वो 9th क्लास से शुरू कर दी जाएं। ये रिकमेंडेशन है MHRD की कि स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज हैं उनकी जो इंट्रोडक्शन है वो 9th क्लास से शुरू कर दी जाए। और एक और रिकमेंडेशन दी गई, एक और प्रोविज़न किया गया कि जो भी खर्चा इसके अंदर आएगा, जो स्टेट इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो खर्चा करेंगे उसमें 75-25 का रेशो रहेगा। 75 जो परसेंट है वो जो एक्सपेंडिचर है वो सेंटर बेयर करेगा और 25% जो है वो स्टेट बेयर करेगा, जो भी इस तरह का प्रोविज़न रखा गया है इसके अंदर। और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं जैसे सिक्किम है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए 90-10 का रेशो रखा गया है कि 90% जो है वो सेंटर बियर करेगा वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो भी खर्चा होगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, और 10% जो है वो स्टेट बियर करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें बात की गई, इस रिकमेंडेशन में जो प्रोविज़न किया गया यहाँ पे 2014 के अंदर जो आई थी रिकमेंडेशंस MHRD की, उसमें ये प्रोविज़न किया गया कि 14.50 लाख जो है पर एनम हर स्कूल को, हर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड किया जाएगा
किसके लिए? रिसोर्स पर्सन हायर करने के लिए, वो स्किल्ड टीचर जो हायर करते हैं या स्किल्ड जो वर्कर है या जो स्किल्ड रिसोर्स पर्सन जो हायर करते हैं, जो ट्रेनिंग देंगे स्टूडेंट्स को, उसके लिए भी जो एक्सपेंडिचर आएगा उसको, उसका 14.50 लाख जो है वो प्रोवाइड करेगी, सेंटर प्रोवाइड करेगा उसके लिए। नेक्स्ट जो है, इसके लिए जो सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा, ये नहीं कि स्किल दे के छोड़ दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेशन को भी SSC, जिसको हम SSC बोलते हैं, सेक्टर स्किल काउंसिल, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कोई स्किल ट्रेनिंग लेता है तो उसकी तरफ से ये सर्टिफिकेशन का प्रोविजन किया गया। नेक्स्ट जो है, इसमें प्रोविजन किया गया कि फंड प्रोवाइड किए जाएंगे उन इंस्टीट्यूट को जो वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, ई लर्निंग मटेरियल के लिए, बुक्स के लिए परचेज करने के लिए, बुक्स परचेज करने के लिए, ई लर्निंग मटेरियल जो वो परचेज करते हैं उसके लिए भी फंड प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट जो है प्रोविजन था वो फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर इनोवेटिव प्रोग्राम अंडर वोकेशनल एजुकेशन। अगर कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आता है, इनोवेटिव कोई काम करता है, उसके लिए भी उसको फंड प्रोवाइड किया जाएगा। अलग से कोई एक्स्ट्रा काम करता है या इनोवेटिव कोई आइडिया लेके आता है स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में, तो उसके लिए भी उसको फंड प्रोवाइड किया जाएगा, इंसेंटिव दिए जाएंगे। जो कॉस्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है, यहाँ पे एक और प्रोविज़न किया गया कि जो लर्निंग मटेरियल डेवलप करना है या करिकुलम डेवलप करना है उसके ऊपर भी, किस चीज़ के लिए? स्किल डेवलपमेंट करिकुलम के लिए, इसके लिए भी 2 लाख हर एक स्कूल के लिए या एक हर एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए 2 लाख का प्रोविज़न किया गया, 2 लाख रुपीज़ पर एनम का प्रोविज़न किया गया है। और एक प्रोविज़न किया गया था कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की या किसी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट की, अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है स्किल डेवलपमेंट एरिया के अंदर, वहाँ से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर निकलते हैं, स्किल्ड यूथ ज़्यादा निकलता है, स्किल्ड स्टूडेंट ज़्यादा निकलते हैं, तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। ये सारा प्रोविज़न किया गया था जब रिवाइज़ किया गया था हमारे NCF के 2005 के करिकुलम को, वोकेशनल एजुकेशन के रिगार्डिंग। ये 2014 में रिवाइज़ किया गया था, MHRD ने रिवाइज़ किया इसको दोबारा से। तो ये सारे जो हैं पॉइंट्स उसके अंदर कंसीडर किए गए थे स्किल डेवलपमेंट करिकुलम के अंदर। नेक्स्ट जो है, अब हम बात करेंगे कि जो करिकुलम की बात की गई थी, ये तो उनकी रिकमेंडेशंस थी, प्रोविज़न थे, उन्होंने क्या किए हैं, फाइनेंशियल प्रोविज़न क्या किए हैं। अब करिकुलम किस तरह का रखा जाए, अगर आपने स्किल डेवलप करनी है तो किस तरह का करिकुलम रखा जाए इन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर। फर्स्ट होता कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम, कॉम्पिटेंट करिकुलम हो, स्टूडेंट उसमें कॉम्पिटेंट हो, स्किल्ड हो उसके अंदर पूरी तरह से, वो कहीं बीट ना हो किसी भी फील्ड में, किसी उस स्किल के अंदर वो जल्दी से एडजस्ट हो जाए, उस ऑक्यूपेशन के अंदर वो जल्दी से एडजस्ट हो जाए। सेकंड जो है, जो भी सिलेबस है उसके सिलेबस प्रोवाइड किया जाए स्किल बेस्ड, अगर ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज दे दी है, उसके लिए हैंडआउट्स हों, टीचर्स के लिए भी हैंडआउट्स हों, स्टूडेंट्स के लिए भी हैंडआउट्स हों, ई लर्निंग मटेरियल हो, मैनुअल्स हों, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जब भी करिकुलम बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है, जो करिकुलम हो इन इंस्टीट्यूट्स का, जो करिकुलम है जो वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं उन स्कूल्स का, उन इंस्टीट्यूट्स का, उन ट्रेनिंग सेंटर्स का जो करिकुलम होना चाहिए वो नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। एक उसका एक स्टैंडर्ड है, जो एक हमारी नेशनल ऑक्यूपेशन एजेंसी है उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट जो है, थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों कराई जाए उसमें, प्रैक्टिकल स्किल तो कराई जाए पर थ्योरी के अंदर जैसे छोटे छोटे स्किल, सॉफ्ट जेनरिक स्किल हैं, बोलने की कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप की जाए। ठीक है, आप टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप हेयर ड्रेसिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस हैं, इस तरह के मॉड्यूल्स भी सेट किए जाएँ इस करिकुलम के अंदर, स्किल डेवलपमेंट करिकुलम के अंदर। नेक्स्ट जो है, इसमें प्रोविज़न ऑफ इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का प्रोविज़न होना चाहिए और ये इंटर्नशिप जो है वो पेड होनी चाहिए। जब भी आप कोई स्किल सीख लेते हैं, जैसे आपके बीएड में भी है इंटर्नशिप का प्रोविज़न है, पर ये पेड नहीं होता है। इसको अगर पेड कर दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आप किसी जॉब को स्टाइफंड आपको उसके लिए मिले तो आप अच्छी ट्रेनिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है, जो ये करिकुलम बनाया जाता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, वोकेशनल कोर्सेज के लिए, इसको टाइम टू टाइम
नीड के अकॉर्डिंग इसको टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाए और चेंज किया जाए, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। ग्लोबली भी स्किल जो हैं अलग अलग तरह की आती हैं। पहले कुछ एक स्किल्स ही होती थी जो बच्चे जिसमें एंट्री करते थे, अब बहुत सारी स्किल्स हैं। फोटोग्राफी की स्किल है या फिल्म रिकॉर्डिंग की स्किल है, इस तरह की जो स्किल्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इस तरह की जो छोटी छोटी स्किल्स हैं वो टाइम टू टाइम आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो जो करिकुलम बनाया जाए इसको टाइम टू टाइम एज पर नीड ऑफ द सोसाइटी या एज पर नीड ऑफ द ग्लोबल लेवल इसको चेंज किया जाना चाहिए। तो ये सारे जो हैं स्किल डेवलपमेंट करिकुलम के बारे में पॉइंट्स थे। तो हमने बात की है कि स्किल डेवलपमेंट करिकुलम आज की प्रेजेंट सिनेरियो की एक नीड है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, नेसेसिटी ही बन गया है ये। तो इस सिर्फ गवर्नमेंट के प्रोविज़न कर देने से या फिर वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर देने से, इंस्टीट्यूट बना देने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस नहीं आ जाएंगे, जबकि हमारा अपना माइंड, पेरेंट्स का माइंड चेंज नहीं होगा, हम माइंड सेटअप चेंज नहीं करेंगे, उस स्टीरियोटाइपिंग को चेंज नहीं करेंगे कि यही स्किल ज़रूरी है, वाइट कॉलर जॉब के पीछे भागने को छोड़ के दूसरी स्किल्स को भी सीखना नहीं शुरू करेंगे, तब तक इसके अंदर रिफॉर्म लाना, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लाना पॉसिबल ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर, इस वीडियो के दौरान जो है लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक करना और इसको शेयर करना और इसको कमेंट करना प्लीज़ ना भूलिए। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस पर को कमेंट जरूर दीजिए। आपके कमेंट मेरे लिए फीडबैक का काम करेंगे। थैंक यू।